ये देखिए दोस्तों, ये हमारा शादियों वाला गाजर का हलवा बन करके रेडी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, एकदम गर्मा गर्म। और ये जितना दिखने में खूबसूरत है, उतना खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ एकदम खोए के साथ और एकदम लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये इतना ज़्यादा यमी बना है ना दोस्तों, आप एक बार इसे अपने घर में बनाएंगे ना तो आप इसके बहुत बड़े वाले बिगेस्ट फ़ैन होने वाले हैं। तो इसे मैंने कैसे बनाया, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे समझ पाएँ और बना पाएँ। तो बिना किए देर रेसिपी को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल शेफ अंजलि कुमारी, और मैं हूँ आपकी शेफ अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर के हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस रेसिपी को। और आप इस रेसिपी को कभी भी खाए होंगे, चाहे आप बीकानेर की शॉप में गए होंगे, चाहे हल्दीराम की शॉप में गए होंगे, या आप रेस्टोरेंट होटल में कभी भी खाते हैं या शादी में खाते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अगर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले फैमिली फ्रेंड्स में, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो बिना किए देर रेसिपी को शुरू करते हैं, और हाँ, नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले गैस चला करके उस पर मैं बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दूंगी, और कढ़ाई के गर्म होते ही उसमें दो बड़े चम्मच भर करके घी डाल दूंगी। ठंड का टाइम है, घी एकदम जमा हुआ है, घर की देसी घी डाल रही हूँ। और घी को अच्छे से पिघल जाने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और उसको एक मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करूँगी, या तब तक जब तक उसमें से अच्छी खुशबू आने ना लगे। जो भी इसमें मैं मटेरियल यूज़ कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स, उसकी मैंने लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स मेंशन करनी है अपने रेसिपी में। तो ये मेरी अच्छे से भून चुकी है एक मिनट तक, तो इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब सेम घी में मैं यहाँ पे घिसा हुआ गाजर डाल दूंगी और उसे भी अच्छे से भूनूंगी 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए, इसे तब तक भूनना है जब तक गाजर एकदम अच्छे से गल ना जाए या इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका यह कलर चेंज ना हो जाए। तो इसको काफ़ी अच्छे से भूनना है और इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो टोटल मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं गाजर को भूनते भूनते, ऑलमोस्ट मेरा गाजर भून चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे क्या करूँगी, चीनी को डालूँगी। तो यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर दे रही हूँ, और चीनी के साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, एक साथ पूरा दूध नहीं डालूँगी। पूरा दूध डालने से क्या होता है कि गाजर पूरा एकदम गल जाता है, जो कि हम जो टेस्ट लाना चाहेंगे वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा दूध नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके यहाँ पे कैरमल करूँगी गाजर को, जिससे कि एकदम जो स्वीटनेस हमें चाहिए वो आएगा। तो यहाँ पे मैं फुल फैट वाला दूध ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मलाई के साथ हमारा जो दूध आता है वो वाला। तो यहाँ पे मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा हम पहले दूध डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम मिक्स करते जाएँगे। ऐसे हम गाजर का हलवा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और दूध जब पूरा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा दूध रहेगा, तब इसमें हम खोया ऐड करेंगे। तो इसको मिक्स अच्छे से कर लें। तो जब हमारा थोड़ा सा दूध एकदम रह गया है, तब इसमें मैं खोया ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा खोया है, इसमें से थोड़ा सा खोया मैं निकाल दे रही हूँ। जो थोड़ा सा खोया है इसको मैं ऐड नहीं करूँगी, और ये जो बाकी का खोया है इसको मैं इसमें गाजर के हलवे में डाल दूँगी। तो ये बाकी का खोया इसमें मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इस तरीके से करके, और इसे भी डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको पूरा पका लेंगे। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा, तो जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया था उसको हम डाल देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हम रख देंगे गार्निश के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को, मतलब आधे ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल दे रही हूँ गाजर के हलवे में। तो यहाँ मैं आधे ड्राई फ्रूट्स को डाल दे रही हूँ, और आधे ड्राई फ्रूट्स को मैं गार्निश के लिए रख दे रही हूँ, और इसको मिक्स कर देंगे। और पूरा जो हमारा मॉइस्चर है गाजर के हलवे में, उसको हम पूरा सुखा लेंगे। तो हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से हमें एकदम कंटिन्यूसली चलाते चलाते इसका पूरा मॉइस्चर सुखा लेना है, एकदम पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पानी थोड़ा सा भी रहेगा तो गाजर का हलवा का टेस्ट एकदम बिगड़ जाएगा। तो पूरा मॉइस्चर होने तक सुखा लें। तो आप देख सकते हैं, जब मैं इसको दबा रही हूँ तो एक भी मॉइस्चर नहीं है। तो इसी तरीके से आप पकाएं, तो हमारा गाजर का हलवा बन करके रेडी है दोस्तों। तो इसको मैं सर्व कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा गाजर का हलवा बन करके रेडी है, और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ खोए के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, और गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये हमारा शादियों वाला गाजर का हलवा बन करके रेडी, और इसे मैं चम्मच से उठा के दिखा रही दोस्तों,
बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है और इतना ज़्यादा डिलीशियस बना है दोस्तों कि आप इसे डिनर के बाद आप डेजर्ट में खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा और इतना ज़्यादा डिलीशियस बना है दोस्तों कि मज़ा आ जाएगा। वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक करना ना भूलें, लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय, बी हेल्दी, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।